नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपने सीए के एग्ज़ाम फॉर्म्स कैसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीए के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो डेट स्टेप स्पेसिफाइड होती है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसके अंदर आके ऑनलाइन वेबसाइट में जाके एग्ज़ाम फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए आपको ICAexam.ICA.org की वेबसाइट को ओपन करना होगा एंड देन यहाँ पे लॉग इन करके आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम रजिस्टर कर रहे हैं तो न्यू यूज़र पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा एंड देन अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी, जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। देन आप यहाँ पे रजिस्टर करके फिर लॉग इन करके अपना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने पहले किया हुआ है, यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है या फिर यहाँ पे रजिस्टर हैं, तो आपको फिर लॉगिन करना होगा अपने पासवर्ड के थ्रू। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन अपना एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला तो आपकी ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है और आपकी ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर ईमेल आईडी आप एक्सेस कर सकते हैं तो जब आपने रजिस्टर किया होगा वो वाली ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी। अगर आपको ये वाला ऑप्शन सूटेबल नहीं लगता है तो और भी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, जिसमें आपको आपके लॉगिन की डिटेल स्क्रीन पर दिखा दी जाएंगी। अगर आप अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने मैंशन किया होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो डालेंगे तो, या फिर ये तीसरा ऑप्शन है जिसमें आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और जो लास्ट अटैम्प है उसका बार कोड और पिन आपको जो लास्ट अटैम्प आपने दिया होगा उसका डालेंगे तो। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है, इससे आप अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं और देन लॉगिन आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने जैसे कोई डाउट होता है तो FAQs भी दिए हुए हैं और यहाँ पर गाइडेंस नोट भी इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं, जिसमें जाके आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पे गाइडेंस नोट और FAQ में जाके आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, IPCC है, फाइनल है, जो भी यहाँ पे अप्लाई होता है एंड देन वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप इंस्टीट्यूट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे पहले से। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो शायद यहाँ पे अपीयर ना हो। ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चेक करने का मकसद ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्त कैंडिडेट वो फोटो एंड सिग्नेचर आर अपीयरिंग इन द PDF। PDF मतलब जो लास्ट में प्रिंट डाउनलोड करेंगे उसमें भी देखना पड़ेगा आपको, नीड नॉट सबमिट अ प्रिंट आउट ऑफ देयर एग्जाम फॉर्म एट द ऑफिस ऑफ ICAI। ठीक है, तो इसलिए रिलेवेंस है कि फोटो और सिग्नेचर अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये देखना। लास्ट में जो आपको PDF दी जाएगी उसमें भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे टैब मिल जाएगा कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाइनल IPCC CPT, जो भी आप पे अप्लाई होगा वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाके पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद पहले ये आपकी बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा और दिखाएगा आपको नाम, एड्रेस, आपका जो बेसिकली जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा और आपसे ये पहले सेव करवाया जाएगा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम फॉर्म पे ले जाया जाएगा आगे। ठीक है, तो पहले आप ये चेक कर लीजिएगा जो आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं ये सही फिल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको फिर यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस और अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करके इसको सेव करना होगा और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना होगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट वाले उस पर जाएंगे टैब पे, मतलब एग्जाम फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, तब आपको यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरना होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया गया है और यहाँ पे ऊपर आपको दिखाएगा जो भी आप एग्जाम फॉर्म भरने हैं, जैसे यहाँ पे फाइनल ओल्ड लिखा है, अगर आपका IPCC होगा IPCC दिखाएगा, फाइनल न्यू होगा फाइनल न्यू दिखाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो मैं ये एग्जाम फॉर्म भर रहा हूँ ये अभी फाइनल का भर रहा हूँ, तो अगर आपका IPCC का है या CPT का है तो प्रोसेस सेम है एग्जाम फॉर्म भरने का, बट हाँ ये है कि जो फील्ड्स आएंगी मेरे एग्जाम फॉर्म में और आपके एग्जाम फॉर्म में उनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो आप अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग उसको फिल करिएगा और अगर किसी फील्ड में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा अच्छी तरह पढ़ के। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं, जनरल फील्ड्स तो यही है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आपको दिखाया जाएगा, फिर आपको मीडियम्स दिखाए जाएंगे कि किस मीडियम में आपने एग्जाम देना है, इंग्लिश में, हिंदी में, एंड देन उसके बाद आपको रीज़न सेलेक्ट करना होगा। बेसिकली ICAI के 5 रीज़न है इंडिया में, जिसमें से आप जिस रीज़न में एग्जाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अब्रॉड मतलब आउट ऑफ इंडिया एग्जाम देना है, जो दुबई सेंटर है, काठमांडू सेंटर है, वहाँ देना है तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अब्रॉड के थ्रू। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें भी आपको एग्जाम देना है, अपने रीज़न के अकॉर्डिंग आपके नेम दिखा दिए जाएंगे और फिर आपको जोन बताया जाएगा कौन कौन सा जोन उस एग्जाम सेंटर में कवर होता है। एंड देन आपको फिर ग्रुप सेलेक्ट करना है, जैसे फाइनल IPCC में है आप तो फर्स्ट देना है, सेकंड देना है या बोथ देना है, वो आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको आर्टिकलशिप अगर आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो आपको यहाँ पे फिर आर्टिकलशिप की डेट देनी है। आप जैसे जो IPCC का भर रहा है तो ये वहाँ पे शायद नहीं आएगा आर्टिकलशिप वाला। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पिन डालना है, आपने पिन इसलिए होता है कि आप जब आप रिजल्ट चेक करेंगे तो पिन वहाँ पे पिन के थ्रू आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे।
और तो पिन डालना है, और आर्टिकल चिप स्टेटस जो भी आपका है कि आपने कंप्लीट की है कंप्लीट नहीं की है, जो भी आप में आ रहा होगा और जो भी आप पे अप्लाई होता है वो आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके अपनी डेट एंड कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप की डेट अगर कंप्लीट हो चुकी है या ड्यू डेट अगर कंप्लीट होने वाली है तो वो फिल करनी है। देन उसके बाद फिर आपको प्रिंसिपल, जो भी आपके प्रिंसिपल होंगे जिनके अंदर आप आर्टिकलशिप ले रहे हैं उनकी डिटेल मांगी है नीचे, उनका मेंबरशिप नंबर आपने डालना है। एंड देन मेंबरशिप नंबर के बाद उनका जो नाम है वो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं आपको डालना है मोबाइल नंबर उनका डालना है और ईमेल आईडी भी उनकी आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का आ रहा है, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगाना होता है अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो। अब डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो व्हाट इज़ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है क्या। और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट को यहाँ पे लगाना ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा आ चुका है कि डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपको लगानी है जो भी आप पे अप्लाई होता है और अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है, भी डाउनलोड को बताऊंगा। और उसके बाद 100 KB से 300 KB का आपका ये होना चाहिए JPG फाइल के अंदर, ठीक है। और ये इसकी विजिबिलिटी भी एक अच्छी होनी चाहिए जिसमें नज़र आए, ठीक है। ये आपको अपलोड करना है जो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, ये आपको दूसरी साइट पे मतलब फॉर्मेट पे ले जाएगा। और यहाँ पे देखिए फाउंडेशन वालों का तो एक ही फॉर्मेट है लेकिन जो IPCC है उनके लिए काफ़ी फॉर्मेट्स हैं, मतलब जो भी यहाँ पे अप्लाई होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो भी जैसे जिनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है जिनकी चल रही है नहीं चल रही, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो जो भी यहाँ पे अप्लाई होता है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और उसको फिल करना है और फिर उसको आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे। और जहाँ भी मेंबर से या फिर प्रिंसिपल से साइन कराने की जरूरत होती होगी वो आपको साइन करा के भी अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है तो उसको प्रिंट आउट निकाल के आपको फिल करना है, देन वहाँ पे इसकी जो JPG की फाइल है वो आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। पूछ रहा है कि जो आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी बतानी है आपको कि कैसे आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। जैसे अगर आप IPCC भर रहे हैं तो या तो आप डायरेक्ट एंट्री से आए होंगे या फिर आपने CA फाउंडेशन दिया होगा, और अगर आप फाइनल का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आप IPCC PE2 या जिससे भी आए हैं वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे 6 कैटेगरी है मेरे मेरे वाले केस में, आपके वाले केस में जो भी अप्लाई होता है अपने अकॉर्डिंगली ही फिल करिएगा यहाँ पे, मतलब टिक करना है आपको। उसके बाद जैसे मेरा फाइनल का एग्जाम फॉर्म है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि IPCC मैंने कब पास करी थी ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। जो मंथ और ईयर और जो रोल नंबर था मेरे उस एग्जाम का जिसमें मैंने पास करी थी वो मेरे को यहाँ पे डालना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का, ठीक है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे मैं IPCC आया हूँ PE1 PE2 जिससे भी मैं जिस रूट से भी आया हूँ वो मेरे को यहाँ पे ईयर और रोल नंबर के साथ डालना है, तो वो भी आप चेक करके अपना भर दीजिएगा। लास्ट अपीयरेंस डिटेल ऑफ फाइनल एग्जाम, अब मैं यहाँ पे फाइनल एग्जाम भरना हूँ, अगर मैं इससे पहले फाइनल एग्जाम दे चुका हूँ तो लास्ट 2 अटैम्प्ट की डिटेल मुझे यहाँ पे फिल करनी है। मुझे एग्जाम का रोल नंबर डालना है, एग्जाम का ईयर डालना है, और जो मैंने ग्रुप दिए थे जैसे अगर मेरे बोथ ग्रुप दिए हैं, सेकंड ग्रुप दिया है, फर्स्ट ग्रुप दिया है, वो डालना है। और लास्ट में मुझे रिजल्ट भी डालना है कि मेरा रिजल्ट क्या था उस अटैम्प्ट का, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो फिर यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम तो यहाँ पे भी आपको ये डिटेल्स भी फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया पासिंग डिटेल और फाइनल इफ एप्लीकेबल, जैसे कि अगर आप फाइनल में कोई ग्रुप आपका क्लियर हो गया है ग्रुप 1, यहाँ पे ग्रुप 2 और ग्रुप में कोई पहले से क्लियर है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कि किस मंथ में किस ईयर में और क्या रोल नंबर था आपका उस एग्जाम में जिसमें आपने ये ग्रुप क्लियर किया है। आज जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो एग्जामिशन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे लास्ट 3 अटैम्प्ट्स की जो एग्जामिशन होती है वो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई एग्जामिशन आई हुई है किसी ग्रुप में और वही ग्रुप आप यहाँ पर देना चाहते हैं और एग्जामिशन को क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिशन आपको क्लेम करनी होती है वो अपनी आप नहीं मिलती, तो उस जो भी जैसे नवंबर मई 2017 मतलब जिस भी अटैम्प्ट में आपने यहाँ पे दिया था यहाँ पे 3 अटैम्प्ट आ जाएंगे, उसका रोल नंबर और यहाँ पे पेपर्स आएंगे, जैसे पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं मेरे केस में, फाइनल में 8 पेपर हैं तो 8 आ रहे हैं। अब जिस भी पेपर में मेरे को एग्जम्पशन आई, जैसे अगर मैं ग्रुप 1 दे रहा हूँ और पेपर नंबर 1 मैंने अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेरी एग्जम्पशन है, पेपर 1 के आगे मैं यहाँ पे उस एग्जम्पशन के मार्क्स लिख दूंगा कि कितने मार्क्स है मेरे, तो वो 60 या उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना है, उसके मार्क्स डालने हैं और उसके बाद क्लेम करके यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू में करके आगे बढ़ना है। उसके बाद जब आप क्लिक करके इसे आगे बढ़ेंगे तो आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा है वो आपको दिखा दिया जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल्स आपको लग रहा है कि रॉन्ग हो गई तो पीछे आके आप उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री नीचे डिक्लेयर होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन होगा, वो आप करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर यह आपको आपकी फीस दिखा देगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप, अकॉर्डिंग टू योर फाइनल एग्जाम या IPCC। फीस दिखाने के बाद फिर आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के लिए या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप पेमेंट को कर सकते हैं, और जो मोबाइल नंबर जिस पे OTP वगैरह आता है वो भी आप रेडी रखिएगा। देन पेमेंट होने के बाद आपको ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा और आपको सारे रेफरेंस नंबर, आपका ट्रांजेक्शन नंबर, बैंक ऑथराइजेशन ID, जितना आपने अमाउंट पेड किया है सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे आएगी डाउनलोड PDF, तो आप अपनी PDF जो एग्जाम फॉर्म की है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा कि सारी डिटेल्स वहाँ पे सही से मेंशन है या नहीं, और उसमें फोटो और साइन आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे वो भी आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था एग्जाम फॉर्म भरने का, जिससे मैंने अभी CA फाइनल का एग्जाम फॉर्म भरा है। तो जो भी आपका एग्जाम फॉर्म होता है अप्लीकेबल आप वो इस प्रोसेस के थ्रू भर सकते हैं, और जो भी फील्ड आपके केस में डिफरेंट होती है उसको अकॉर्डिंगली आप पढ़ के वहाँ पे
उस फील्ड को भर सकते हैं, और डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपलोड करना ही होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म और एग्जम्पशन वाले डिटेल अच्छी तरह चेक करके ही डालिएगा, ठीक है। और कोई भी क्यूरी होती है तो आप यहाँ पे FAQs को रेफर कर सकते हैं, गाइडेंस नोट को रेफर कर सकते हैं, ICI को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ICI को मेल कर सकते हैं, या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।